بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو میرے عزیز نوجوان بھائیو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ رمضان کے معنی کیا ہے اور رمضان کا جو لغوی مطلب ہے وہ اس مہینے پر کس طرح صادق آتا ہے اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے حالانکہ باقی مہینے بھی تو اللہ ہی کے ہیں لیکن اس مہینے کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا وہ اس لیے کہ اس پہ اس مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا فضل ہوتا ہے اس کا کرم ہوتا ہے اگر رمضان المبارک کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا سے اندازہ کیجئے کہ جیسے کوئی آدمی کسی خزانے کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو وہ دل میں دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے خزانے تک پہنچا دے کسی نے بتایا کسی کو کہ فلاں جگہ پر فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک خزانہ ہے یہ چل پڑا اور جگہ جگہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے یا اللہ مجھے اس خزانے تک پہنچا تو جن کو رمضان کے خزانے کا پتہ تھا انہوں نے رمضان کے شروع ہونے سے دو مہینے پہلے دعائیں شروع کر دی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں برکتیں عطا فرما اس لیے کہ رمضان تو ہے ہی برکتوں کا مہینہ رمضان تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خزانے تک پہنچنے کے لیے دو مہینے سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ روحانیت کا نیکیوں کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جسے انسانی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی اسے پیغمبر کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رمضان المبارک کتنی خیر و برکت کا مہینہ ہے انسانیت کے لیے اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کتنی خیر و برکت کا ہے انسانیت کے لیے
तो फरमाया कि इंसान ये तमन्ना करे, ये ख्वाहिश करे कि अल्लाह मेरी सारी जिंदगी में रमजान ही रमजान आ जाए। याद रखो रमजान एक बड़े मुअज्जज मेहमान की तरह हमारे घरों में, हमारे मुल्क में उतर चुका है। और जो लोग मेहमान को इज्जत देते हैं, अल्लाह के महबूब ने भी अजीब बात फरमाई, फरमाया मन कान युक्मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, ये नहीं फरमाया फलयुत्इम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता है तो वो मेहमान को खाना खिलाए, नहीं, फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, वो मेहमान को इज्जत दे। अगर आपने इज्जत के साथ किसी को सूखी रोटी भी दी ना, वो उसको याद रखेगा। और अगर हकारत के साथ आपने उसे मुर्ग मुसल्लम भी खिलाए तो वो आपके दरवाजे पे कभी नहीं आएगा। इसी तरह रमजानुल मुबारक ये मेहमान है, इसकी पहली डिमांड ये है कि इसको इज्जत दी जाए। ये आफाकी मेहमान है, इसकी पहली डिमांड ये है कि इसको इज्जत दी जाए। मैं एक जगह देख रहा था कि एक बड़े बुजुर्ग साले आदमी हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने लिखा कि मेरे पड़ोस में एक हिंदू था तो वो मर गया, तो ख्वाब में मुलाकात होती है तो मैं देखता हूं कि वो हिंदू जन्नत में है। कहने लगे मैं बड़ा परेशान हुआ कि हमने तो उलमा से सुना पढ़ा पढ़ाया कि भाई जन्नत की चाबी तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जन्नत की चाबी तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अगर कलमा पड़ेगा तो जन्नत में जाएगा, तो हिंदू जन्नत में कैसे चला गया। तो मैंने ख्वाब में भी उस पर अपना ये इश्काल उसका तज़करा किया कि तू तो हिंदू था, तू कैसे जन्नत में चला गया। तो कहने लगा कि मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ वो ये कि जब मलकुल मौत आया तो उसने कहा कि कलमा पढ़ो पहले। मैंने कहा कौन सा कलमा? कहा जो मुसलमान पढ़ते हैं, कलमा पढ़ो, मैं तेरी रूह कब्ज करना चाहता। मैंने कलमा पढ़ा, मेरी रूह कब्ज हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई। तो पूछा कि भाई ये क्या मसला है, हिंदू कलमा? तो फरमाया गया कि देख तेरा एक अमल मुझे इतना पसंद था कि उस अमल की वजह से हमने तुम्हारे लिए हिदायत के रास्ते खोल दिए। एक अमल तेरा इतना पसंद था कि उस अमल की वजह से हमने तेरे रास्ते हिदायत के रास्ते खोल दिए। वो कौन सा अमल? कहा जब रमजान आता था तो तू अपने घर में खाना पकाना बंद कर देता था कि मुसलमानों पे रमजान आ गया, मेरे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं, मेरे घर से खाने पकने की खुशबुएं उठेंगी, उन्हें तकलीफ होगी,
मुसलमानों पे रमज़ान है, ये उनका महीना है, इज्जत वाला महीना है, हम रूखी सूखी तो खा लेंगे लेकिन मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे, तो तूने रमज़ान को इज्जत अता की, अल्लाह ने इस इज्जत की वजह से तुझे हिदायत अता कर दी। अगर काफिर रमज़ान को इज्जत दे, अल्लाह उसके बदले में, अल्लाह उसके बदले में उसकी मग़फ़रत कर दे, तो अगर ये मुसलमान इस महीने को इज्जत दे, अगर ये मुसलमान इस महीने की तौकीर और एहतराम करे, तो मेरा अल्लाह इसे कितनी इज्जत देगा, मेरा अल्लाह इसे कितना मकाम देगा। आज बहुत सारे आमाल हमारे होते हैं, उनमें जिस चीज का फुकदान है वह इज्जत और एहतराम का है, और ये एहतराम और इज्जत ये दिल की कैफियत का नाम है, और जब दिल की कैफियतों से मुझे बताया गया एक जगह, कहा कि बाज हिंदू ऐसे हैं जिनकी रूह कब्ज नहीं होती, सकरातुल मौत होती है उन पर, तो जब रूह कब्ज नहीं होती तो पंडित को बुलाते हैं कि भाई इसकी रूह कब्ज नहीं हो रही है, रूह निकल नहीं रही है, तो फिर वो पंडित कहता है कि मैं अन कही कलवाऊंगा इसे, अन कही। और ये हमारे जो बुजुर्ग हैं जो हिंदुओं के साथ कुछ इधर रहे हैं, जो हिंदू, उनको भी पता होगा कि हिंदू कहते थे कोई अन कही, ये एक टर्म थी उनकी, मैं अन कही कलवाऊंगा इसे। तो वो कहते हैं कुछ करो इसकी रूह निकले, ये इतने दिनों से तड़प रहा है। तो वो जो अन कही कहता है हिंदी के अंदर, वो जो कलमे उसको कलवाता है, उनका जब तर्जुमा किया तो उनका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको वो अन कही कहते हैं कि आखरनी गल नहीं है। अब क्या पता किसका कौन सा अमल अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह उसकी रूह नहीं निकाल रहा जब तक कि वो उसका कलमा ना पढ़ रहे। और कितने ऐसे बदनसीब हैं कि जिनकी जिंदगी गुजर जाती है, जिनकी जिंदगी गुजर जाती है और खात्मा ईमान पे नहीं होता है। बड़े बड़े नामों के साथ वो बेनियाज जात है मेरे दोस्तों, वो बेनियाज जात, वो तेरे मेरे सजदों का मोहताज नहीं है, वो दिलों की कैफियत को जानने वाला है। लिहाजा मैं कह रहा था कि रमजान मुबारक ये मेहमान है, और ये मेहमान भी बड़ा अजीब कि जो नाम लेके आया उस नाम में भी बरकतें ही बरकतें। अगर रमजान की राह को देखो तो पता चलता है कि ये महीना रहमत लेकर आया है। अगर रमजान उल मुबारक के मीम को देखो तो इसका यह हर्फ बताता है कि यह महीना मगफरत लेकर आया है। और अगर रमजान मुबारक के ज़वाद को देखो तो गोया यह महीना खुद इसका यह हर्फ बता रहा है कि यह जमानत लेकर आया है जन्नत की।
और अगर इसके अलफ को देखो, अगर इसके अलफ को देखो तो ये अजर की नवीद लेकर आया कि इस महीने में हम अजर बढ़ा देते हैं, इस महीने में हम उल्फत बढ़ा देते हैं रब की बंदों के साथ। और अगर रमजानुल मुबारक के नून को देखो तो इसका यह हर्फ बताता है कि यह महीना जहन्नम से निजात का महीना है, रहमत का महीना, मगफरत का महीना, जमानत का महीना, अजर व सवाब का महीना और जहन्नम से निजात का महीना। यह अपने पहलू में इतनी खुशियां लेकर, अपने पहलू में इतनी मगफरतें लेकर आज तेरे मेरे दरो दीवार पर दस्तक दे रहा है, आज हमारे घरों में जलवा फरोज है। आओ हम इसका इस्तकबाल करें। किस तरह करेंगे? झंडियां लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, गेट बनाकर? नहीं, हमने इसका इस्तकबाल करना है गुनाह छोड़कर। हम कसद कर लें कि इस महीने गुनाह नहीं होगा। सूद का लेन देन करने वाला फैसला कर ले कि इस महीने लेन देन सूद का नहीं करूंगा। यूं तो जिंदगी सारी नहीं करना चाहिए ना, एक महीना तो जबर कर ले। झूठ बोलकर सौदा बेचने वाला ये फैसला कर ले, झूठ बोलकर सौदा नहीं बेचूंगा, ये अजम कर ले कि झूठ बोलकर सौदा नहीं बेचूंगा। झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देने वाला ये अजम कर ले कि ये महीना मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ गलत बयानी नहीं करूंगा, मैं सौदे में मिलावट नहीं करूंगा। हमने कौन सी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, ज्यादा ज्यादा दूध बेचने उसी पानी ने अनुमान लगी, और हमने कौन सी इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री ली। जो जहां है अगर वहां पर अगर वो दुरुस्त होना शुरू हो जाए तो सोसाइटी दुरुस्त हो जाएगी, और अगर जो जहां है वहां पर दुरुस्त नहीं होगा तो फिर इस सोसाइटी में करार नहीं आएगा, फिर इसमें इनकलाब नहीं आएगा। लिहाजा रमजान मुबारक मुअज्जज मेहमान की तरह तेरे मेरे आंगन में उतर चुका है, हमने इस्तकबाल करना है किसके साथ? गुनाहों को छोड़कर। और जब गुनाहों को छोड़कर इस्तकबाल करोगे, तकवे के साथ इस्तकबाल करोगे और जबान को दुरुस्त कर लोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो मेरा रब फिर पता है क्या बशारत देता है? मेरा रब बशारत देता है يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا ايمان والو اگر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے
अपने आप को गुनाहों से बचाकर तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करोगे। वकूलू कौलन सदीदा, और बात दो टोक और दुरुस्त किया करो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया दो काम तुम्हारे जिम्मे, दो काम मैं अपने जिम्मे लेता हूं। तुम्हारे जिम्मे ये कि तुम अपने आप को अल्लाह का डर दिलों में बैठाया करो, उसके डर और उसके खौफ की वजह से गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दिया करो, अपनी बात और जबान को दुरुस्त रखा करो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो सोसाइटी, जो मुआशरा, जो फर्द ये करेगा, मेरा उसके साथ वादा है युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं उसके जिंदगी के सारे मामलात दुरुस्त कर दूंगा। सिर्फ मामलात ही नहीं दुरुस्त करूंगा, वयंफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसके जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये सदा लग रही है, कई सालों से, सदियों से लग रही है कि लोगों तकवा तकवा तकवा, अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो, लेकिन ना चोर ने चोरी छोड़ी, ना डाकू ने डाका छोड़ा, ना मिलावट करने वाले ने मिलावट छोड़ी, ना हेरा फेरी करने वाले ने हेरा फेरी छोड़ी, ना सूद खोर ने सूद छोड़ा। तो एक छोटा सा वायरस आ गया, उसने जिंदगी ही पूरी छुड़ा दी, उसने जिंदगी ही सारी छुड़ा दी। हम उस रब की तरफ से एक छोटे से वायरस जरसूमे की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस रब के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह हम यहीं से मजीद गुफ्तगू का आगाज करेंगे, सुनते हैं।